ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਕਿੱਲਡ ਵਰਕਰਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਰਡਰ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਦੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਡਿਲੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ओमिक्रोन के वधे केसों के चलते मनिया जा रहा है कि यह फैसला होर कुछ हफ्तों के लिए टालिया जा सकता है, पर अज अजिहियां चर्चावां नूं रद्द करदिआं आस्ट्रेलिया ने अंतरराष्ट्री बॉर्डरां नूं खोलण का ऐलान कर दिता है। इस ऐलान के तहत हुण बिना किसी एग्जम्पशन तो अंतरराष्ट्री विद्यार्थी, स्किल्ड वर्कर ते टीआर वीजा होल्डर आस्ट्रेलिया दे विच आ सकणगे। दस दिए कि गवर्नमेंट वालों मिले अंकड़े के मुताबिक दसिया जा रहा है कि 2,35,000 अजिहे वीजा होल्डर ने जिहड़े हुण आस्ट्रेलिया च वापसी कर सकणगे। इन्हां दे विच 1,33,000 अंतरराष्ट्री विद्यार्थी दसे जा रहे ने। दस दिए कि जदों 1 दसंबर नूं अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर खोलण का ऐलान होया सी तां बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों ते होर वीजा होल्डर्स वालों अपनी टिकटां भी बुक करवा लिया गई सन, जिस तों बाद फैसला टाले जाने तों बाद उन्हां च निराशा पाई जा रही सी, पर अज दी इस अनाउंसमेंट ने उन्हां नूं एक बार फिर खुश होण दा मौका दिता है। दसिया जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर खोलण तो बाद सिर्फ फुली वैक्सीनेटड लोगों ही आस्ट्रेलिया दे विच दाखला दिता जाएगा। आस्ट्रेलिया पहुंचण ते इन्हां लोगों नूं अपने घर दे विच ही कुछ दिनों दे लई आइसोलेट होना पवेगा ते होर किसी भी तरह की प्रक्रिया चो नहीं गुजरना पवेगा। आस्ट्रेलिया दे अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर खोलण दा वड्डा फायदा भारत च फसे अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों नूं होवेगा। दस दिए कि भारत दे विच इस वेले हजारां दी गिनती दे विच अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आस्ट्रेलिया दे बॉर्डर बंद पए होण दे चलदे फसे हुए सन, जिन्हां दी हुण वापसी आने वाले दिनां दे विच आस्ट्रेलिया च हो जाएगी।